गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। जरा देखिएगा, मैं सबसे पहले जो बात करने जा रहा हूँ दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्कीन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन की बात करने जा रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्कीन की बात करने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, एल्कीन्स क्या होते हैं? और सबसे पहले इथीन मॉलिक्यूल की ही बात करता हूं बेटा। ये इथीन मॉलिक्यूल है, जहां पर इथीन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स की बात ये होगी। दिस इज द इथीन मॉलिक्यूल। सो नाउ व्हाट विल यू ऑब्जर्व देयर, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड? तो यहां पर बेटा ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड है। इसमें पांच सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। बात करते हैं कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, हर चीज की हम लोग बहुत आसानी से बात करेंगे। मैं बात करता हूँ इस कार्बन एटम, इस कार्बन एटम की बात करता हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p2। इस वाले कार्बन की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी बेटा, 1s2 2s2 2p2 मानते हो। तो यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखूं इसकी, तो क्या बनेगा, 2s। और यहां पर क्या है बेटा, 2p है। 2s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, p के अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन है। एक्साइटेड स्टेट के अंदर बेटा इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट के अंदर 2s के इलेक्ट्रॉन उठकर कहां चले जाएंगे बेटा, बताओ किसके अंदर चले जाएंगे, 2p के अंदर चले जाएंगे। अरे बोलो, 2p के अंदर चले जाएंगे। तो आप लोग जरा देखिए, एक हाइड्रोजन इसका इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला। अब दूसरा इसका, इसकी भी बात करूं तो सिमिलरली ये भी ऐसा ही होगा, दैट इज 2s और 2p, तीन इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके साथ भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अब एक इसका इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के एक पी ऑर्बिटल के साथ क्या बनाएगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। जो आप लोगों को कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है वो यही तो होगा, क्लियर है? तो आप जरा देखिए पी ऑर्बिटल के अंदर क्या हो गया, अभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो दो पी ऑर्बिटल जिनके बीच में, एक इसका पी और एक इसका पी, इनके बीच में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये बेटा साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, और साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा बेटा, पाई बॉन्ड बनेगा। जरा देखिए, ध्यान से सुनिएगा। अब एक बात और क्लियर कर लेता हूं, इसमें कितने पार्टिसिपेट हुए, एक एस और पी, कितने बेटा यहाँ पर, दो ही तो पार्टिसिपेट किए बॉन्डिंग के अंदर, एक तो हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन के साथ। तो बॉन्डिंग के अंदर कितने पार्टिसिपेट किए, एक एस और एक दो पी। तो हाइब्रिडाइजेशन की क्या हो जाएगी, sp2। इसकी भी क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो डबल बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी, डबल बॉन्डेड कार्बन की कैसे हाइब्रिडाइजेशन होगी बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर आप लोगों को? स्ट्रक्चर की थोड़ी बात कर लेते हैं आप लोगों के साथ। sp2 हाइब्रिडाइज है तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल और तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसके साथ हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया, इसके साथ हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया, क्लियर है? इसका दूसरे वाला कार्बन का भी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसके साथ हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया, इसके साथ भी हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया, और इन्होंने आपस में अपना सिग्मा बॉन्ड बनाया, क्लियर है? अब इसके पास भी एक पी ऑर्बिटल खाली है, बोलो, इसका भी एक पी ऑर्बिटल जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों है ना, इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और जब दोनों के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये दोनों आपस में कौन सी ओवरलैपिंग करेंगे बेटा, बताओ, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। तो एक तो जिसमें सिग्मा बॉन्ड बन गया और एक साइड वाइज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड बन गया, क्लियर है? तो आप लोगों को ये बात भी क्लियर होगी कि यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन की कितनी होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्लियर है यहाँ तक की बातें? नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्काइन्स। अब हम एल्काइन्स की हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे। एल्काइन्स, ठीक है बेटा, एल्काइन्स मेरे पास इथाइन मॉलिक्यूल है, इसके अगर मैं बात करूं इस प्रकार से बनेगा, कई वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखता हूं, 2s के अंदर बेटा क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स, 2p के अंदर आपको पता क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये 2s के इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, यहां पर उठकर यहां चला जाएगा। इस वाले कार्बन के भी कुछ हालात ऐसे ही होंगे, दिस वन इज द 2s, दिस वन इज द 2p, 2p इस वाले का 2s, एक इलेक्ट्रॉन, और p के अंदर बेटा अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तीन इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट। तो इसके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, एक इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और ये कार्बन इस वाले कार्बन एटम के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, बोलो बेटा, क्लियर है? और ये आपस में दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएगा, और ये भी आपस में मिलकर इसके साथ क्या बनाएगा बेटा, पाई बॉन्ड बनाएगा,
क्लियर है, समझ में आई आप लोगों को? तो बॉन्डिंग में ओनली कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक एस और एक पी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बेटा इसकी, एस पी। तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बेटा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ज्योमेट्री आप लोगों को पता है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या होगी, लीनियर ज्योमेट्री। क्लियर आप लोगों को, समझ में आया बेटा? यहां पर एक सिग्मा है, ये सिग्मा और दो यहां पर क्या है बेटा, पाई बॉन्ड। ज्योमेट्री को जरा देख लेते हैं, समझ लेते हैं बेटा। एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, दो। एक एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल लो बेटा, ये बना दिया मैंने, इसको ऐसे नहीं बनाता, थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसानी से बनाता हूं। एक एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा मैंने ये बना दिया, क्लियर आप लोगों को? और इसका एक एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बेटा मैंने ये बना दिया। दूसरे वाले का भी एक एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बना दिया मैंने, और एक एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बना दिया। इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इन दोनों ने अपना सिग्मा बॉन्ड बना लिया। अब इसके ऊपर बेटा एक पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसके पास दूसरा पी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, इधर भी बेटा इसके पास एक पी ऑर्बिटल इस प्रकार से प्रेजेंट है और दूसरा पी ऑर्बिटल इस प्रकार से प्रेजेंट है। इन दोनों के पास क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन। इनके बीच में कैसी ओवरलैपिंग होगी बेटा बताओ, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, तो पाई बॉन्ड कितने बनेंगे, एक पाई बॉन्ड इस वाले के बीच में, एक पाई बॉन्ड इस वाले के बीच में, तो दो पाई बॉन्ड बनेंगे यहाँ पर, दो तरह के पाई बॉन्ड बनेंगे। क्लियर आप लोगों को? तो यही तो मैंने बात की, ट्रिपल बॉन्ड जहां पर भी है वहां पर एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये पाई बनेगा और ये भी पाई बनेगा। इस प्रकार से आप लोगों के बीच के हाइब्रिडाइजेशन के लिए बात कर सकते हो। क्लियर है आप लोगों को, मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है? चलते हैं आगे की तरफ। सो बेटा अभी आप लोगों के लिए फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करने का कुछ एक जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं। क्या है वो फॉर्मूला, जरा देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को मैं बता रहा हूं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फाइंड आउट करने का तरीका। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का तरीका क्या है बेटा, हाफ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेट, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम इन द सेंट्रल एटम प्लस मोनोवेलेंट बॉन्ड माइनस कैटायन और प्लस एनायन, दिस इज द, क्लियर है? तो अगर मान लो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, एसपी। तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, एसपी टू। चार हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो बेटा आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, एसपी थ्री। पांच हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, एसपी थ्री डी। और छह हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, एसपी थ्री डी टू। सात हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो आपकी क्या होगी बेटा, एसपी थ्री डी थ्री। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। तो कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल बेटा आप लोगों के पास, सबसे पहला सी एच फोर मॉलिक्यूल का ही कर रहा हूं, हाफ वैलेंस कार्बन की वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन, चार बॉन्ड बना रहा है, आंसर चार। और चार किसी होते बेटा sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। अरे बोलो, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा अपनी H2O मॉलिक्यूल की। तो H2O मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, हाफ ऑक्सीजन सेंट्रल एटम दो बॉन्ड, कितना बन जाएगा बेटा, sp3। अरे बोलो, NH3 मॉलिक्यूल की बात करता हूं आप लोगों के साथ, कितना बन जाएगा, हाफ पांच प्लस तीन आठ बटा दो चार। बोलो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3 बेटा, NH2 नेगेटिव। बताओ बेटा, हाफ वैलेंस शेल में पांच इलेक्ट्रॉन, दो माइनस का वन। बोलो बेटा कितना, चार, चार का मतलब कितना हो जाएगा, sp3। ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। सो आप लोगों को कुछ मॉलिक्यूल्स दे रहा हूं मैं, आप लोगों के लिए होमवर्क है, जिनके आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है तो जरा कीजिएगा, उन एग्जाम्पल्स उनकी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कीजिएगा, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल्स हैं BeF2, BeH2, BeCl2, H2O, NH3, CH4, NH4 पॉजिटिव, NH2 नेगेटिव, HCF2, HCF4, HCO2F2, CO2, BF3, ओके बेटा, AlCl3, और उसके बाद आप लोगों के पास है PCl5, PCl3F2, PF5, SF6, है ना बेटा, HCF6, IF7,
आईएफ सेवन एच थ्री ओ पॉजिटिव है ना बेटा। उसके बाद आप लोगों के पास है और कोई एग्जांपल एसओ टू और बस यही कुछ एग्जांपल्स जो आप लोगों को फॉर्मूले से करने हैं टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच मॉलिक्यूल, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को निकालनी बताइए कि हाइब्रिडाइजेशन निकालनी। ओके तो कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब भी डिस्कस करेंगे तो बेटा हम लोग इनके स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री क्या होती है, कैसे हम लोग उनको बता पाएंगे, वो भी हम लोग कल की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके थैंक यू, हैव अ नाइस डे।